गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कॉलेज के बिना मान्यता के छात्रों का प्रवेश लेकर करोड़ों कमाने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक का राज नर्सिंग होम सहित कुल 100 करोड़ की संपत्ति को कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किया कुर्क। की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक। अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बीआईडी के दर्द से बावस्ता थे सीएम योगी, किया मुकम्मल इलाज। मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में अपने जुड़ाव का रजत जयंती समारोह भी मनाएंगे मुख्यमंत्री। 5.5 साल में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भरोसा का बड़ा केंद्र बना है बीआईडी मेडिकल कॉलेज। अभियोजन वीरों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। एडीजी जोन ने सभी अभियोजन वीरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। का एक वर्ष में 100 अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दिलवाया उम्र कैद की सजा। पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत सतर्कता विषयक सेमिनार का किया गया आयोजन। कहा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करना होगा भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के 80 वार्डों के अधिकारी और सुपरवाइजरों की बैठक हुई संपन्न। कहा, 7 नवंबर तक नगर निगम निर्वाचन नामावली की प्राप्त की जाएगी। दावे और आपत्तियां। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने वाले भू माफिया अवधेश निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 4 नवंबर से 10 नवंबर तक 66वें अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने किया शुभारंभ। कहा, रेलवे बोर्ड सहित जोनल रेलवे की कुल 19 टीमें कर रही हैं चैंपियनशिप में प्रतिभाग। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर के अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक के राज नर्सिंग होम सहित 100 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया है। आपको बता दें कि 3 दिन पहले ही जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक के राज नर्सिंग होम, उसकी पत्नी, बहन की 60 करोड़ से अधिक की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया था। डॉक्टर अभिषेक, उसकी पत्नी समेत 7 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज है। राज नर्सिंग कॉलेज बिना मान्यता के छात्रों का प्रवेश लेकर करोड़ों की संपत्ति बना लिया था, जिससे छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के दुर्गावाड़ी निवासी डॉक्टर अभिषेक का तरंग चौराहे के पास राज नर्सिंग होम है। इसके अलावा तुर्रा बाजार स्थित राज नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, दुर्गावाड़ी स्थित राज नर्सिंग होम हॉस्पिटल व कॉलेज के 8 वाहन, चिलवाताल के नकहा में स्थित भूमि शामिल है। इसके अलावा अलग अलग बैंकों में संस्था और तीनों के नाम से खुला 15 से अधिक खाता के संचालन पर भी जिलाधिकारी ने रोक लगा दिया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए तहसीलदार सदर विकास सिंह और एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, वाला
किराए पर गलती नहीं हो कब्जा कर ये पीछे तक है मतलब आगे पीछे इसके वाले में सर झगड़ा भी चल रहा है उसी जमीन पे झगड़ा चल रहा है इन लोगों से काफी लंबा इन्हीं के साले से करवाओ सरकारी पैसा बचाओ डॉक्टर अभिषेक यादव पुत्र स्वर्गीय राजा राम यादव व उनकी पत्नी डॉक्टर मनीषा यादव के विरुद्ध माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश दिनांक 2/11/2022 के तहत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गंगेश्वर अधिनियम के तहत इनकी अवैध प्रॉपर्टी जो यह अपराध कारित कर धन अर्जित कर गलत तरीके से अर्जित किए हुए है प्रॉपर्टी उसको आज जब्त और कुर्क की जाती है चेहरा सब टच हो जाता है द्वारा मुकदमा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर अभिषेक यादव पुत्र डॉक्टर राजा राम यादव जिलाधिकारी महोदय के आदेश मुकदमा अपना संख्या 262/22 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत मुख्य अभियुक्त गैंग संगठन राजा राम यादव की संपत्ति कुर्क की जाती है जो इन्होंने अवैध तरीके से धन अर्जित कर खरीदी व जब्त ली थी ये इनके द्वारा जो है अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करके ये सब प्रॉपर्टी बनाई गई है जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के तहत जो है आदेश पारित किया गया है जिसके क्रम में ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज
जिला मजिस्ट्रेट महोदय गोरखपुर के निर्देशानुसार एक मेडिकल माफिया डॉक्टर अभिषेक यादव, जो राज नर्सिंग एवं पैरा मेडिकल कॉलेज चलाता था, उसकी 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत करीबन 6 प्रॉपर्टी अटैच की गई हैं और कुछ प्रॉपर्टी अभी भी अटैच की जा रही हैं, प्रोसेस में हैं। उसके बैंक अकाउंट, उसके व्हीकल्स और ये सभी प्रॉपर्टीज़ आज अटैच की गई हैं और ये प्रक्रिया जारी रहेगी। इस व्यक्ति के खिलाफ टोटल 19 मुकदमे दर्ज हैं, उसमें कुछ थाना कैंट, थाना पिपराइच एवं लखनऊ में भी इसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। ये व्यक्ति अपनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ से ज़्यादा लोगों को एडमिशन देकर उनको फर्जी मार्कशीट, फर्जी एडमिशन एवं उसके बाद में शासन स्तर से भी फर्जी परमिशन लेकर मेडिकल कॉलेज चलाने एवं उससे कूटरचित कागजों से जो उन्होंने धन अर्जित किया है उससे संबंधित जो जो प्रॉपर्टीज़ है आज उसको अटैच किया गया है एवं आने वाले कुछ दिनों में इसकी कंप्लीट क्लोजर की कार्रवाई कर आपको डिटेल में सुनिश्चित कराया जाएगा। अभी तक लैंड की वैल्यूएशन करीबन 50 करोड़ के आसपास आई है, बिल्डिंग में इसमें करीबन कुछ लोन लेके करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बनाई है, तो करीबन 50 से 100 करोड़ के आसपास के बीच की वैल्यू आएगी, लेकिन वैल्यूएशन कंप्लीट क्लोजर होने पर आपको बता दी जाएगी। डॉक्टर दंपति इस समय जेल में हैं, जेल में निरुद्ध हैं एवं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इनके खिलाफ टोटल 19 मुकदमे दर्ज हैं, जो कि थाना पिपराइच, थाना कैंट, थाना हुसैनगंज लखनऊ और थाना कोतवाली गोरखपुर, इनमें मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल जनपद गोरखपुर में पाई गई हैं, लेकिन आज भी कुछ जगहों पर पता चला है मुखबिर के माध्यम से एवं हम प्रयास कर रहे हैं कि बाकी जनपदों में भी अगर किसी को सूचना है, सूचना मिले इसके माध्यम से, तो जरूर हमको अवगत कराएं। थैंक यू। मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने कहा कि जनपद गोरखपुर साफ सफाई में विशेष स्थान प्राप्त कर रहा है, जिसके लिए बधाई देता हूं। इसके साथ घर वितरण में इस वर्ष पीछे है, जो कि सही नहीं है। इसको नगर निगम के अधिकारी प्रमुखता से लें, जिससे हर गरीब को आवास मिल सके। उन्होंने कहा, शासन का प्रयास है कि हर गरीब के पास आवास हो, जिसको अधिकारी गंभीरतापूर्वक लेते हुए जांच कर आवास का वितरण करें। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, नगर आयुक्त विनाश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में सर हम तो बात करेंगे, और हमारे जो जनपद है वो कहाँ रैंक कर रहे हैं वो बताएंगे सर। और मुख्यमंत्री सर नगर सिंचन योजना जो नई हमारी स्कीम, जो हमारे नए अर्बन लोकल बॉडीज जो गठित हुए हैं, या उनका एक्सपेंशन हुआ है, और से एक पॉइंट मैंने सर आपके अनुमति से ऐड किया है, जो पेयजल सर्वेक्षण हमें होने वाला है, उसके बारे में सर हम बात करेंगे। तो सर आप सीधे सर हम लोग बहुत ज्यादा इसमें बहुत लंबी बैठक नहीं है, कुछ ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। वी आर जस्ट रैंकिंग द इश्यूज, कुछ चीजों में प्रोग्रेस जो नगर निकाय की खराब है उनके बारे में बता रहे हैं, बाकी कुछ बहुत जनरल पॉइंट्स हैं मैं बाद में सचिव मंत्री सचिव प्रस्तुत करके वो भी बताएंगे। तो स्मार्ट सिटी मिशन में जैसे सबसे तीन जो हमारे खराब नगर निकाय हैं वो है सहारनपुर, अलीगढ़ और मुरादाबाद, और ये मेरे ख्याल में 1-1.5-2 साल से यही नगर निकाय सबसे खराब में चल भी रहे हैं, बट सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा प्रयास करने के बाद भी उनको प्रगति नहीं होती। और बैटल इंडस्ट्री लोकल बॉडीज स्वच्छ भारत मिशन में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 हुआ था, इसमें सबसे खराब प्रगति वाले जो 5 स्थानीय निकाय हैं वो है खुर्जा, बांदा, पूरे प्रदेश की रैंकिंग नंबर 30 है, और इसमें ये स्थानीय निकाय रुचि नहीं ले रहे हैं तो बहुत ही चिंताजनक बात है, और इतना कहने के बाद भी यदि रुचि नहीं ली जाएगी तो फिर प्रधानमंत्री आवास योजना में जो प्रथम किश्त सबसे ज्यादा लंबित है 3 नगर निकायों में या जिन जनपदों में, वह है वाराणसी, मेरठ और फिरोजाबाद, तो ये भी दिखा लिया जाए क्यों लंबित है। और जो सेकंड जनपद है वो है गोरखपुर, मेरठ और सहारनपुर। बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे अपने जुड़ाव का रजत जयंती समारोह भी मनाएंगे। विगत करीब 2.5 दशक से योगी इसके हर दर्द से बाबस्ता रहे, सांसद के रूप में दर्द से निजात की आवाज बुलंद की और मुख्यमंत्री बनते ही मुकम्मल इलाज भी कर दिया।
पूर्ववर्ती सरकारों के उपेक्षित रवैये से जो मेडिकल कॉलेज बदहाल हो चुका था, वह बीते 5.5 साल में पूर्वांचल के लोगों में चिकित्सा सुविधाओं के लिहाज से अब बड़े केंद्र के रूप में भरोसे का प्रतीक बनकर उभरा है। शनिवार 5 नवंबर को बीआरडी मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। 50 साल की अपनी यात्रा में इस मेडिकल कॉलेज ने तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं। गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना से पूर्व तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पड़ोसी देश नेपाल की तराई तक के लोगों के इलाज के लिए एकमात्र बड़ा केंद्र रहा है, पर पूर्व की सरकारों ने इस केंद्र को उसकी महत्ता के अनुरूप कभी अपनी प्राथमिकता में नहीं रखा। नतीजतन करोड़ों लोगों के इलाज का दारोमदार संभालने वाला यह मेडिकल कॉलेज समय अनुकूल संसाधनों के अभाव में खुद ही बीमार सा दिखने लगा। 90 के दशक के दूसरे हिस्से में इसकी बदहाली जब चरम पर पहुंचने लगी, तब पहली बार संजीदगी से सुध ली गई और इस सुध लेने का श्रेय योगी आदित्यनाथ को जाता है। करीब 2.5 दशक से योगी इस मेडिकल कॉलेज के रग रग से वाकिफ हैं। 1998 में पहली बार सांसद बनने के पहले से उन्हें इसकी उपेक्षा का पता चल चुका था। सांसद बनने के बाद से मार्च 2017 में मुख्यमंत्री बनने तक सांसद का कोई भी ऐसा सत्र नहीं था जब योगी ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज की समस्याओं से सरकारों की तंद्रा ना तोड़ी हो। कभी संसाधनों के अभाव, कभी एंसेफलाइटिस, तो कभी मान्यता के संकट को लेकर योगी देश के सदन में पूर्वी उत्तर की जनता की बुलंद आवाज बने। इतना ही नहीं, कई बार उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाते हुए मेडिकल कॉलेज से कलेक्ट्रेट और कमिश्नरी तक जनता को साथ जोड़कर चिलचिलाती धूप में पैदल मार्च भी किया। उनके आंदोलनों और संसद में उठाए गए मुद्दों से स्थितियां कुछ बदलने भी लगी, लेकिन जनविश्वास बहाली लायक स्थिति तभी बनी जब राज्य की कमान 5.5 साल पहले खुद उनके हाथों में आई। चूंकि योगी बीआरडी की हर समस्या से खुद अवगत थे, इसलिए उन्हें अलग से किसी के सुझाव की जरूरत नहीं थी। एक एक करके उन्होंने सभी दिक्कतों को दूर करा दिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज का समूचा बदला परिसर कायाकल्प की जीवंत तस्वीर है। स्वर्ण जयंती समारोह में उन्हें इस मेडिकल कॉलेज से अपने 2.5 दशक के संवेदनशील जुड़ाव का भी स्मरण होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 4 दशक तक कहर बरसाने वाली इंसेफ्लाइटिस के इलाज का सबसे बड़ा केंद्र बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही रहा है। एक दौर वह भी था जब मेडिकल कॉलेज में एक बेड पर 3 इंसेफ्लाइटिस पीड़ित मासूम पड़े रहते थे। योगी इंसेफ्लाइटिस के कहर के खुद साक्षी रहे हैं। उन्होंने मरीजों और उनके परिजनों की पीड़ा को अपनी सजल आंखों से देखा है, हृदय तल तक महसूस किया है, सड़क से सदन तक इस पीड़ा को दूर करने की लड़ाई लड़ी है। उनके ही प्रयासों से वर्ष 2005-06 में इसके लिए टीकाकरण शुरू हुआ था। प्रति वर्ष औसतन 1500 मासूम इंसेफ्लाइटिस जेई और एएस से असमय काल कौलित हो जा रहे थे। योगी आदित्यनाथ 2017 में मुख्यमंत्री बने तो इस पर नियंत्रण के लिए अंतर विभागीय समन्वय की फुल प्रूफ कार्य योजना बनाई। 2017 के पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रतिवर्ष हजारों बच्चे अति गंभीर अवस्था में भर्ती होते थे। उनमें से 25% की मौत हो जाती थी। जो बच्चे बच भी जाते थे, उनमें मानसिक एवं शारीरिक दिव्यांगता आ जाती थी। मेडिकल कॉलेज में वर्ष 2017 में कुल 2247 मरीज भर्ती हुए थे, जिसकी मृत्यु दर 25-30% थी, जबकि वर्ष 2022 में माह अक्टूबर तक एईएस के कुल 125 मरीज भर्ती हुए, जिनमें से 95% से अधिक को ठीक कर घर भेजा जा चुका है। जेई जापानी एंसेफलाइटिस के मरीजों की संख्या बेहद कम रही और किसी की मौत भी नहीं हुई। भर्ती मरीजों के निःशुल्क उपचार एवं त्वरित इलाज की व्यवस्था के कारण आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एंसेफलाइटिस से मृत्यु दर नगण्य है। चिकित्सक अगले वर्षों तक इस बीमारी का संपूर्ण उन्मूलन सुनिश्चित मान रहे हैं। सीएम योगी की दूरदर्शिता और त्वरित निर्णय से बीआरडी मेडिकल कॉलेज वैश्विक महामारी कोरोना के इलाज का बड़ा केंद्र बनकर उभरा।
कोरोना की रोकथाम में इस मेडिकल कॉलेज का अहम योगदान रहा। सीएम के दिशा निर्देश पर 250 बेड आईसीयू एवं 250 बेड आइसोलेशन वाले डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल को क्रियाशील किया गया। इससे सभी जीवन रक्षक संसाधनों से पूर्ण कर इलाज की व्यवस्था की गई। कोरोना काल में यहां करीब 4,500 मरीजों का इलाज किया गया। साथ ही जांच के लिए बीएसएल 3 लैब की स्थापना भी की गई। अभी तक लगभग 21 लाख रोगियों की जांच माइक्रोबायोलॉजी विभाग में एवं 11 लाख रोगियों की जांच आरएमआरसी में की जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मेडिकल और पैरामेडिकल एजुकेशन को बढ़ावा मिल रहा है। वर्तमान में यहाँ एमबीबीएस की 150 सीटों पर पढ़ाई हो रही है, जिसे बढ़ाकर 250 तक ले जाने की कार्ययोजना तैयार हो रही है। बी फार्मा में गत 3 वर्ष से तथा बीएससी नर्सिंग में गत वर्ष से पठन पाठन प्रारंभ किया गया है। पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के संचालन हेतु 380 छात्रों के प्रवेश के लिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी एवं शासन से अनुमति प्राप्त हो गई है। इन सब से चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इससे बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय संसाधनों में अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। यहाँ प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक को पूर्ण कराया गया है। कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एवं यूरोलॉजी को क्रियाशील कराया जा चुका है। अत्याधुनिक 7 मॉड्यूलर ओटी के द्वारा न्यूरोसर्जरी, कैंसर सर्जरी, स्पाइनल सर्जरी, कैथ लैब, पेसमेकर, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आदि चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। अभी तक करीब 250 एंजियोग्राफी, 160 एंजियोप्लास्टी व 32 पेसमेकर लगाकर मरीजों की जान बचाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी के प्रयासों से 500 बेड के सुपर स्पेशलिटी बाल चिकित्सालय के निर्माण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है। संसाधनों को दुरुस्त करने के क्रम में मेडिकल कॉलेज के नेहरू चिकित्सालय में वातानुकूलित ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर के स्थापना की गई है, जहां पर करीब 400 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। मरीजों के परिजनों के बैठने के लिए 233 बेड के रैन बसेरा, बर्न यूनिट, लेबर कॉम्प्लेक्स, 14 मॉड्यूलर ओटी की स्थापना से संबंधित कार्य भी पूर्ण कराए गए। मेडिकल कॉलेज के प्रत्येक बेड पर लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की व्यवस्था है। पिछले 5 वर्षों में वेंटिलेटर की संख्या में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है, जिससे पूर्वांचल में अति गंभीर रोगियों को सघन चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहां कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। अभी तक 32 व्यक्तियों का कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया जा चुका है। अत्याधुनिक उपकरणों की स्थापना से जटिल सर्जरी, लेप्रोस्कोपी सर्जरी, टोटल हिप एवं नी रिप्लेसमेंट की भी व्यवस्था उपलब्ध है। थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, एचआईवी से ग्रसित मरीजों की निःशुल्क उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीआरडी की ओपीडी में प्रतिवर्ष लगभग 7 लाख मरीजों को देखा जाता है, जिनमें से आईपीडी में 60 से 65 हजार मरीज प्रतिवर्ष भर्ती होते हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वर्ण जयंती द्वार मेन गेट का लोकार्पण करेंगे। इस अवसर पर उनके हाथों फार्मेसी एवं नर्सिंग कॉलेज के छात्रों के लिए 200 सीटर हॉस्टल के निर्माण कार्य का शिलान्यास भी किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में 100 बेड वाला लेवल 1 का ट्रामा सेंटर क्रिटिकल केयर ब्लॉक भी बनना है। इसके लिए 50 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। उम्मीद जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री इस संबंध में कोई बड़ी घोषणा भी कर सकते हैं। पूर्वांचल के गांधी नाम से विख्यात बाबा राघव दास का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। 12 दिसंबर 1896 को महाराष्ट्र में पैदा हुए बाबा राघव दास ने देवरिया में बरहज को अपनी साधना स्थली बनाया था। उनका नाम राघवेंद्र था। राघव दास नाम महात्मा गांधी ने दिया। बरहज से उन्होंने पूर्वांचल में स्वाधीनता संग्राम आंदोलन को धार दिया। उन्हें स्वच्छता के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका बरहज आश्रम क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र रहा। बाबा क्रांतिकारियों को आश्रम में संरक्षण दिया करते थे।
एडीजी जो अखिल कुमार की अध्यक्षता में एनएक्सी भवन के सभागार में अभियोजन वीरों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान एडीजी जो अखिल कुमार ने अभियोजन वीरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में एडीजी जो अखिल कुमार ने बताया कि गोरखपुर जनपद ने अभियोजन टीम के साथ विशेष प्रयास किया है। टीम ने जनपद के अपराधियों को सजा दिलाने में विशेष योगदान दिया है, जिसमें बहुत से अपराधियों को उम्र कैद की सजा हुई है, जिससे पीड़ित को न्याय मिल पाया है। इसमें पुलिस से लेकर न्यायालय तक से सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को सम्मानित किया गया है, जिन्होंने अपराधियों को सजा दिलाने में अपनी भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा, अभियोजन टीम ने 100 अपराधियों को आजीवन कारावास का सजा दिलाया है, जो कि बहुत अच्छी सफलता है। इस अवसर पर मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविन्द्र गौड़, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार बिश्नोई, एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, सीओ कैंट श्याम देवबिंद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, मॉनिटरिंग सेल का गठन 2018 में तत्कालीन डीजी साहब के एक परिपत्र से हुआ था और तब कुछ लोग ये सेल कार्यरत है, लेकिन दायरा 18 से 19 और बढ़ाया गया, 20 और बढ़ाया गया, 21 में और बढ़ा और 22 में ये शुरू हुआ था। पिछले 3-4 सालों के आंकड़ों के हिसाब से वो टारगेट 30 जून को ही अचीव कर लिया, यानी 6 महीने पहले। अरे उसमें दोहरा शतक हो गया और सबसे महत्वपूर्ण है कि 100 व्यक्तियों को आजीवन कारावास हो चुका है। एसएसपी साहब और डीआईजी साहब की लाइन थी कि अगर 10 वर्ष या उससे उपलब्ध न गोली चली, न बंदूक, न मुकदमा लिखा गया, उतने लोगों का एनकाउंटर में खात्मा हम करते हैं। 31 दिसंबर 2022 को एक ऐसा टारगेट हम फिक्स करेंगे कि आगे 23, 24, 25 के लिए वो बड़ा मील का पत्थर होगा। मैं इस तरह के आयोजनों में स्वागत की एक परंपरा है, उस स्वागत में सबसे पहले मैं एसपी सिटी है कि आज की तिथि तक वैसा स्वागत नहीं हो सका। हमारे पास जो भी लता पुष्प थे, हमने अपने बीच आदरणीय लोगों के सम्मान में स्वागत में समर्पित किया, लेकिन वही एक परंपरा शब्दों से भी स्वागत की है और उस परंपरा का निर्वहन करने के लिए मैं अपने आदरणीय एसएसपी महोदय से विनम्र अनुरोध करूंगा कि आए हुए सभी अतिथियों का, महनीय जनों का स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आदरणीय एडीजी सर, आदरणीय कमिश्नर सर, आदरणीय डीआईजी सर, हमारे डीजीसी साहब, हमारे डीडी प्रोसिक्यूशन साहब, जनपदीय पुलिस के और प्रशासन के सभी सीनियर अधिकारीगण, और वास्तव में आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में, जैसा कि नाम लिखा गया है, अभियोजन वीर, मैं कहूंगा एक बार तालियां बजा के अभियोजन वीरों का स्वागत किया जाए। फिर इन्होंने 17 मुकदमों में 23 लोगों को सजा कराई। आरक्षी भरत मित्र भागी, ये कैंपियन है। आरक्षी मनीष कुमार यादव का कहा, 7 मुकदमों में 16 लोगों को सजा कराई है। 15 से ज्यादा लोग बहुत है और लोगों को सजा मिली है, जिसमें 15 को आजीवन कारावास है।
विगत दशक से ज्यादा हो गया हमें न्यायालय के पास। आरक्षी पंकज कुमार पांडे साहब और आरक्षी कृष्ण मोहन प्रजापति इसके बाद है आने जाने में विषय हो गया और इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव आयोजन के आज हम लोग हम और एसएसपी साहब एक दिन एडीजी सर से डिस्कस किए थे कि सर अभियोजन के हमारे गोरखपुर जनपद में इस प्रकार की प्रगति हो रही है और दिन प्रतिदिन जब हमने सर को बताया कि करीब 100 लोगों को आजीवन कारावास होने की उम्मीद अगले एक दो महीने में है, जब 100 का आंकड़ा अरुण ने हमको एक दिन मैसेज किया तो मैंने सर को भी मैसेज किया, हम लोग जब मिले तो सर का ये आइडिया था कि जब इतना बड़ा एक उपलब्धि हुई है और एक ही वर्ष में हुआ है इस कैलेंडर वर्ष में, वो भी 10 महीने में यहाँ तक आप लोग पहुँचे, तो जो लोग इसके पीछे हैं सभी लोगों को बुला के एक भव्य आयोजन होना चाहिए, सबका सम्मान भी होना चाहिए, इसीलिए ये आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हैं और सर भी हम लोगों को मार्गदर्शन लेने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। इस मॉनिटरिंग सेल का मैं विशेष रूप से कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ और आप लोगों से भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी उनकी बधाई दें। विपिन ताड़ा पहले यहाँ एसएसपी थे, उनके समय में इसका जो और मजबूती के साथ मॉनिटरिंग सेल को करने के लिए योजना बनी तो विपिन को भी इसमें उतना ही श्रेय रहता है। उसके बाद गौरव आने के बाद भी जैसे कई बार ये होता है कि कोई चेंज ऑफ गार्ड कप्तान बदल जाते हैं तो बहुत सारे पॉलिसीज अपने आप थोड़ा इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन इस विषय में क्योंकि ये पुलिस का एक बड़ा प्रयास चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं प्रदेश सरकार से लेकर पुलिस विभाग में हम लोगों का एक प्रयास है, प्रयास के हम लोग निरंतर उसके पीछे हैं कि हमारे अभियोजन का कार्य है उसको भी प्राथमिकता के साथ काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजा दिला पाए। इस मंशा के साथ गौरव ने जब यहाँ का पदभार संभाला और इसमें ऊर्जा उन्होंने दिया है और जिसका नतीजा आज आप सभी लोगों को देखने को मिल रहा है, मैं गौरव को भी। तीसरा व्यक्ति जो इसका नोडल अधिकारी है जो इसके नीव से लेकर पिछले जो एसपी साउथ है उन्होंने कोई भी कल हम और एडीजी सर से हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने सर से यही विषय कह रहा था कि सर कोई नोडल अधिकारी अगर किसी काम को अपना खुद का काम की जैसा अपनाएंगे नहीं है तो हमारा बड़े बड़े चीज़ें जो हम लोग हासिल नहीं कर पाते और गोरखपुर में इस भव्य कार्यक्रम के लिए या इतना बड़ा उपलब्धि के लिए जो टीम है और टीम को हमारे नोडल अधिकारी एसपी साउथ है, ये टीम या मॉनिटरिंग सेल के सारे लोग इंस्पेक्टर और बाकी उनके अभी आप लोगों ने उनको सम्मानित करते हुए सभी लोगों ने देखा है, ये सभी लोग मिल के ये हुआ है और जोन के बाकी मॉनिटरिंग सेल के प्रभारियों को भी आज इसलिए हमने बुलाया है कि आप लोग भी एक बार देखें, ये गोरखपुर तक सीमित नहीं होना चाहिए, ये हमारे रेंज तक भी सीमित नहीं होना चाहिए, धीरे धीरे पूरे प्रदेश में इस प्रकार का हो और अपराधियों में एक डर होना चाहिए। और इस प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट जो अभियोजन के लिए यहाँ न्याय के लिए गुहार करके जो इतने दिन के लिए लड़े हैं और आज भी
इस सिस्टम के ऊपर विश्वास करके जो बैठे हुए हमारे इस देश की जनता और हमारे मीडिया का हमारे साथी हैं, मैं इसलिए कहते रहता हूँ और बहुत कम फंक्शंस भी अटेंड करता हूँ, क्योंकि बहुत बार हर फंक्शन में कि इनका व्यस्तता है, दो मिनट के लिए आएंगे, प्रोग्राम में पूरा नहीं बैठेंगे, अधिकारी उठ के चले जाना, और वैसे ही बहुत चीज़ चलते रहते हैं। मगर कुछ प्रोग्राम्स ऐसा होता है वो वास्तव में आपको गर्व महसूस करने का समय देता है। बहुत दिन के बाद मैं खुल के कह सकता हूँ और भावुक होकर के भी कह सकता हूँ, ऐसा प्रोग्राम बहुत कम अटेंड कर लूँगा हमारे। जब वो पासवान जी कह रहे थे कि मेरी बेटी की हत्या हुई थी और आज उनको सजा हुआ है, कि इस समाज की जो लास्ट नागरिक तक हम लोग न्याय दिला पाएंगे, आज हम लोग इस कुर्सी में बैठने के लिए लायक रहेंगे। गर्व महसूस होता है कुछ ही फंक्शंस में। मैं डीएजी साहब को, एडीजी सर को, एसएसपी साहब को और अरुण को मतलब तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसा फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया है और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है, और इस प्रोग्राम अटेंड करने से मुझे खुद को एक गर्व महसूस हो रही है कि हम इस सर्विस में हैं और आज इतने जनता को हम लोग मदद कर पा रहे हैं। जैसा डीआईजी साहब ने कहा, ये यज्ञ है, और अरुण ने भी कहा कि एक छोटा भी कर्मचारी इसमें क्या कर सकता है, उसकी नतीजा क्या हो सकता है, हम लोगों ने आज करके दिखाया है। वास्तव में यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपको आज महसूस होना चाहिए कि इतना गर्व होकर के हम लोग जा सकते हैं कि हम इस सिस्टम का एक पार्ट है और हम जो लास्ट आदमी तक न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। और ये जनता जो बार बार हम लोग पढ़ते रहते हैं कि जुडिशियरी के बारे में, मैं कल भी मेरे बच्चों को पढ़ा रहा था जुडिशियरी के बारे में, हम लोग वही पढ़ते हैं कि लेंथी है, एक्सपेंसिव है, ये सब ठीक है, उसके बावजूद भी विश्वास करके हमारा सिस्टम में जनता इंतजार करते रहते हैं, और उस जनता को हम जब न्याय दिलाएंगे तो जो खुशी हम लोगों को महसूस होता है वो किसी चीज में नहीं होता है। यहाँ पर सारे जो अभियोजन से जुड़े हुए हमारे साथी जो अभियोजन वीर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे जो वादी पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उनके कई परिजन हैं यहाँ पर, मीडिया के बंधु, मेरा सौभाग्य है कि आज ये कार्यक्रम हुआ और हमें इस कार्यक्रम में बुलाया गया। ये जो उपलब्धता है, ये जो उपलब्धि है, ये कोई साधारण नहीं, और इसी कारण हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जब डीआईजी साहब कह रहे थे कि हम 100 लोगों को आजीवन कारावास दिला रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक साल के अंदर में उन्होंने कई बड़े शहरों के नाम अभी अरुण बता भी रहे थे कि ये हम आंकड़े हम आधी में नहीं पहुंचे 50 पे, और गोरखपुर जनपद 100 आंकड़े पहुंचे। और ये जो उपलब्धि आप सबकी, एक जो एफर्ट प्रोसिक्यूटर जो डीजीसीज हैं हमारे, एडीजीसीज हैं जो हमारे, एसपीओज हैं हमारे, जो पैरोकार हैं, कोर्ट कॉरियर्स हैं, सभी लोग मिलकर, हमारा जो वादी पक्ष सब मिलकर लगा होगा, तब यहाँ जाकर हम पहुँचे। और एक सुनियोजित ढंग से जिस प्रकार से जनपद गोरखपुर ने इसको दिशा दी है, मैं बधाई के पात्र हैं। पूरे जनपद में हम लोग इस 111 का आंकड़ा अभी बता रहे थे, वो 105 और कुछ आज बढ़ गए हैं, 111 के आंकड़े पे आजीवन कारावास हम करीब 360 के ऊपर गोरखपुर में अन्य अपराधों में भी सजा हुई। और मैं अभी स्टैटिस्टिक्स में सारे जोन का भी मंगा रहा था, और जोन में ये फिगर जो बढ़ के आजीवन कारावास करीब हम लोगों ने 360 के ऊपर क्रॉस कर लिए हैं, और करीब 1950 लोगों को सजा दिला दी है। तो ये जितने भी परिजन होंगे, जिन लोगों को ये न्याय मिला है, वो सब आपको दुआएं दे रही होंगे, उनकी दुआएं आपको या आपके परिवार को लग रहा होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि आप जो कर रहे हैं यहाँ पर, कहीं ना कहीं हमें यहीं पे इम्पैक्ट देता है। हम जो समाज में अच्छा बुरा, ये ऐसी शक्ति, ऐसा विभाग है,
और ऐसा आप काम कर रहे हैं कि आप किसी का आह ले सकते हो और आप किसी की दुआ ले सकते हो। तो आज इन सभी अच्छे कार्यों से आपने दुआ ली है, ये दुआएं आपके और आपके परिजनों को कहीं ना कहीं लाभ देगी। और जैसा कमिश्नर साहब कह रहे थे कि जो सेवा में हम लोग आते हैं, जिस भाव से हम लोग आते हैं, असली उद्देश्य यही है कि हम न्याय की इस जो प्रक्रिया है उसको पूर्ण करें और जो दोषी है उसको सजा दिलाएं और उसको अपनी जगह दिखाएं। तो बहुत बहुत बधाई। गोरखपुर में अपनी नौकरी को अगर मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ तो मुझे याद है एज ए यंग ऑफिसर मेरी लखनऊ में पोस्टिंग थी, 97-98 की बात है, और एक मर्डर रिपोर्ट होता है लखनऊ में और मैं जाता हूँ, एज ए सर्किल ऑफिसर था मैं, और मौके पे जाता हूँ, इंदिरा नगर में हत्या होती है और जब मैं पहुँचता हूँ तो मेरा सर्किल क्षेत्र नहीं था, बॉर्डर का एरिया था, तो पता चलता है सर गोरखपुर का कोई माफिया जो मारा गया, और किसने मारा वो भी गोरखपुर का प्रख्यात माफिया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। पहली बार मुझे पता चला कि अच्छा गोरखपुर शहर भी ऐसा कोई है, नया नया अवसर था, बहुत आगे नहीं था शहर, उत्तर प्रदेश के बाद बिहार के आदमी थे। तो गोरखपुर के बारे में 90 की दशक क्या थी आपको बताने की जरूरत नहीं है। एक काफी चर्चित शहर माना जाता था गोरखपुर, और आज हम फास्ट फॉरवर्ड आते हैं, 25 साल आगे आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में पिछले 5 साल में जो दिशा बदली है इस राज्य में, जैसा कमिश्नर साहब ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश सही रूप में माना जाता है, एक सेफ राज्य के माने में जाता है, इस सभी का योगदान माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, जो मुख्य रूप से एक स्पष्ट नीति के तहत अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए हम लोगों को कहते हैं, प्रोत्साहित कहते हैं, एक ही वक्त में हमेशा सुनता है कि कानून अपना काम करे और सख्ती से करे, उसी का नतीजा है कि हम लोग सब मिलकर एक दिशा में काम कर पा रहे हैं और आज आप लोग इतनी बड़ी सफलता वो पा लिए हो और उसको और आगे नेक्स्ट ले जा रहे हो। देखिए अभी इस वर्ष गोरखपुर ने अपनी अभियोजन टीम के साथ विशेष प्रयास किया है जघन्य अपराधों में जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए, और पूरी की पूरी अभियोजन टीम इसमें लगी है, जिसमें हमारे DGC, SPOs, कोर्ट मोरिट, पैरवकार, सब इंस्पेक्टर, सभी लोग ने एकजुट लगे हैं, और मिस्टर अरुण SP साउथ इसके नोडल ऑफिसर हैं, और काफ़ी उल्लेखनीय सफलता पाई है, और इसमें करीब 100 का आंकड़ा प्राप्त कर लिया इन्होंने आजीवन कारावास में, और करीब 350 से ऊपर लोगों को विभिन्न अपराधों में सजा मिली है। तो एक बहुत अच्छा मैं कहूँगा कि उल्लेखनीय सफलता है, और उसी क्रम में आज जिन लोगों ने इसमें ये विशेष योगदान दिया उसको सम्मानित किया गया, उसी कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित थे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राज नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कॉलेज के बिना मान्यता के छात्रों का प्रवेश लेकर करोड़ों कमाने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक का राज नर्सिंग होम सहित कुल 100 करोड़ की संपत्ति को कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। BID के दर्द से बावस्ता थे CM योगी, किया मुकम्मल इलाज। मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में अपने जुड़ाव का रजत जयंती समारोह भी मनाएंगे मुख्यमंत्री। 5.5 साल में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भरोसा का बड़ा केंद्र बना है BID मेडिकल कॉलेज। अभियोजन वीरों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। एडीजी जोन ने सभी अभियोजन वीरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। का एक वर्ष में 100 अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दिलवाया उम्र कैद की सजा। पूर्वोत्तर
रेलवे सतर्कता संगठन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत सतर्कता विषयक सेमिनार का किया गया आयोजन। कहा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करना होगा भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के 80 वार्डों के अधिकारी और सुपरवाइजरों की बैठक हुई संपन्न। ने कहा, 7 नवंबर तक नगर निगम निर्वाचन नामावली की प्राप्त की जाएगी। दावे और आपत्तियां। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने वाले भू माफिया अवधेश निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 4 नवंबर से 10 नवंबर तक 66वें अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने किया शुभारंभ। कहा, रेलवे बोर्ड सहित जोनल रेलवे की कुल 19 टीमें कर रही हैं चैंपियनशिप में प्रतिभाग। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत रेलवे के अधिकारी क्लब में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत सतर्कता सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह ने बताया कि हर वर्ष भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो सतर्कता के आइकॉन माने जाते हैं, इनका 31 अक्टूबर जन्मदिन होता है, उसको कवर करते हुए जो उत्सवता होता है उसी दिन जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबको जागरूक किया जाता है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। यह कार्यक्रम लोगों को जागरूक करने के लिए अन्य जिलों में भी किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात जयप्रकाश सिंह ने कहा, इसके लिए हमें बदलना पड़ेगा। ये कहा जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि हम कुछ डिफरेंट हों, तो हमें कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं, अगर हम वही करेंगे तो हम डिफरेंट नहीं हो सकते। हमारा जो भविष्य है, इफ यू वांट डिफरेंट रिजल्ट, देन यू हैव टू एक्ट डिफरेंटली। तो और ये जैसे जैसे समय बदलता है, समय के साथ में हमें चेंज इज ओनली कॉन्स्टेंट, तो हमें चेंज होते ही रहना पड़ेगा। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम पिछड़ जाएंगे, चाहे ये व्यक्तिगत तौर पे हो, एक समाज के तौर पर हो, एक देश के तौर पर हो, चाहे पूरे विश्व के तौर पर। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें चेंज होना है, हमें परिवर्तित होना है। ये बताना चाहूँगा कि अभी मैं IIM बेंगलोर में गया हुआ था, जिसमें रेलवे के सीनियर लीडर्स को बुलाया गया था, सीनियर ऑफिसर्स को, तो उसमें 40 लोग थे। तो उस वक्त भी ये, और उसमें से 86 बैच के 3 लोग थे, 85 के 1 थे और 84 के 1 थे। तो जो उतने सीनियर लोग जो थे, एरिया में एक इतना अच्छा टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, और सर के जो कई जगह प्राइवेट सेक्टर से लेकर के और गवर्नमेंट सेक्टर में हर जगह उनकी उपस्थिति है और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। अभी भी जो हम लोग जो यहाँ का जो एथिक्स के बारे में या सदाचार के बारे में भी बताया जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये कमी है। हम लोग जो अपने जो कॉलेजेस होते हैं उसमें मूलतः सदाचरण के बारे में बताया जाए या इसके बारे में जागरूक किया जाए, तो ये एक बेहतर उपाय हो सकता है। तो इस प्रकार की उस समय ये हुआ करती थी, गांधी जी भी कहते थे, मनी कम्स एंड गोज, मॉरलिटी स्टेज एंड ग्रोज। उन्होंने और भी कहा है, ये CVC की गाइडलाइन पर प्रतिवर्ष सतर्कता भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाने के लिए सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है प्रतिवर्ष, और इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि सतर्कता के आइकन माने जाते हैं, उनका जन्म दिवस 31 अक्टूबर रहता है, उसको कवर करता हुआ जो सप्ताह होता है उसी को मनाया जाता है। इस वर्ष 31 अक्टूबर से 6 नवंबर तक यह सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें सतर्कता जागरूकता सप्ताह में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सबको जागरूक किया जाता है, और इस बार का विषय वस्तु जो है भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत है। तो इसका उद्देश्य ये है
कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भ्रष्टाचार से मुक्त करना होगा। नाम बताइए। मैं जयप्रकाश सिंह, उप मुख्य सतर्कता अधिकारी यातायात। और इस दौरान हम लोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी हमने कल मुख्य क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान गाजीपुर में किया था, विभिन्न विद्यालयों में कर रहे हैं, कॉलेजेस में कर रहे हैं, और वहां जाकर के जागरूकता बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे क्विज, वाक प्रतियोगिता और वाकाथन, मैराथन, तमाम प्रतियोगिताएँ आयोजित कर रहे हैं, जिससे भ्रष्टाचार के विरुद्ध जागरूकता बढ़े। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को नगर निगम के 80 वार्डों के अधिकारी और सुपरवाइजर के साथ नगर निगम के सदन भवन में बैठक की गई, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस एवं उप निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम में 80 वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में सेक्टर ऑफिसर, एक नगर निगम का कर्मचारी और एक सुपरवाइजर नियुक्त किया गया है। उन्होंने बताया कि जिस 24 वार्डों का परिसीमन हुआ है या जो 10 नए वार्ड बने हैं, सभी की बाउंड्री नगर निगम के साथ देखा जाएगा और इसके अनुसार निर्वाचन नामावली में बाउंड्री के अंदर लोग हैं कि नहीं, अगर उस बाउंड्री के बाहर के लोग हैं तो जांच करके नियमानुसार उनको उन वार्डों में व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। जिनका नामावली में नाम नहीं जुड़ा है, उनका 7 नवंबर तक नाम जुड़ जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के अधिकारी सहित कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने कहा, उस वार्ड का उनको मैप दे दीजिएगा। जैसे 42 वाले अभी बैठे हैं तो अभी 42 वालों को दे दीजिएगा। अब इसी तरह से आपको 14 के मैप की आवश्यकता रहेगी। एक चीज और है, नमस्कार, एक चीज में कहां से बाउंड्री है, एक सूचना और आपको दे दे, वो ये कि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बगल बगल नहीं है कि एक के बाद दो मिल जाएगा, दो के बाद तीन मिल जाएगा। नगर निगम में वार्ड नंबर 1 कहीं हो सकता है, वार्ड नंबर 2 कहीं और हो सकता है, तो ये पास पास नहीं है। ठीक, तो आपको एक तो अपना वार्ड पकड़ना है, अपनी गाड़ी उठानी है और अपने वार्ड की बाउंड्री दिखानी है, और थोड़ा ये ज्ञान प्राप्त कर लेना है कि आपकी वार्ड के आसपास कौन से वार्ड पड़ते हैं। जो घालमेल होगा उन्हीं वार्ड की मतदाता सूची के साथ होगा। हमारे पास जो भी जैसे अभी अच्छा बनाएंगे, वो अभी आपका जो ग्रुप बना रहेगा उसमें हम डाल देंगे। हमारे मुश्किल से अभी 15 वार्डों की समस्याएं हैं, पूरे 80 की नहीं है। इसका मतलब मात्र अभी 15 को सीरियसली काम करना है, बाकी को अपनी बाउंड्री देखाना है। अभी आगे कुछ आएगा तो हम आपको सौंप देंगे। हमारा एक नगर निगम है, इसमें कुल 80 वार्ड। आप सभी लोग गोरखपुर में नौकरी करते हैं और कहीं ना कहीं रहते हैं। अभी हम आपके ग्रुप में नगर निगम के 80 वार्डों में कौन कौन से मतदान केंद्र हैं और कौन कौन से मतदान बूथ हैं। मेरी जानकारी में लाया गया है कि वार्ड की बाउंड्री का सबसे अच्छा आइडिया सफाई निरीक्षक, सबसे अच्छा आइडिया, इसलिए कि उन्होंने जो वीआईपी वार्ड होंगे और कुछ लोग ऐसे होंगे जो वीआईपी होंगे, आपको आइडिया नहीं होगा इतना बड़ा वीआईपी है और वो क्या शिकायत कर सकता है। जो हमारी सोसाइटी का वीआईपी होता है उसका ये कहीं पे जाता है, ऊंचाई का मतलब कमिश्नर साहब के पास जाएगा, तख्त शिकायत करेगा, साहब बीएलओ तो काम नहीं कर, नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस गोरखपुर हूं और डिप्टी डीओ नगर निगम, नगर पंचायत चुनाव का हूं। आज हम लोगों ने सुबह नगर निगम में, हमने इस जनपद में जो एक नगर निगम है उसके 80 वार्ड हैं, तो प्रत्येक वार्ड के लिए एक सेक्टर ऑफिसर नियुक्त कर दिया है, एक नगर निगम का कर्मचारी नियुक्त कर दिया है, एक हमारा सुपरवाइज़र नियुक्त है। इन्हीं की हम लोगों ने आज एक बैठक की है। उद्देश्य केवल ये है कि जिन 24 वार्डों का परिसीमन हुआ है या जो 10 नए वार्ड बने हैं, सभी की बाउंड्री नगर निगम के साथ मिलकर के देख लिया जाए, उसके अनुसार निर्वाचक नामावली में उसी बाउंड्री के अंदर के लोग हैं कि नहीं हैं, अगर उस बाउंड्री से बाहर के लोग हैं तो परस्पर जांच करके नियमानुसार उनको उन वार्डों में व्यवस्थित किया जाए।
अभी 7 नवंबर तक दावे और आपत्तियां प्राप्त की जाएंगी। इस दौरान लोगों को ये जागरूक कर दिया जाए कि उनका नाम निर्वाचक नामावली में है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो संबंधित प्रारूप नंबर 15 भर के अपना आवेदन 7 नवंबर तक दे दें, उनका नाम जुड़ जाएगा। कैंट थाने की पुलिस ने फर्जी तरीके से जमीन बहनामा करने वाले भूमाफिया को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अवधेश निषाद पुत्र राम सूरज निषाद निवासी ग्राम छबैला पोस्ट चौरी चौरा थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 2 अक्टूबर को वादी मुकदमा राम प्यारे को चौरी चौरा का भूमाफिया अवधेश निषाद द्वारा झांसा देते हुए धोखे से वादी की कीमती शहर की जमीन धोखे से बैनामा कराने के संबंध में थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत किया था, जिसको देखते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त द्वारा वादी की जमीन महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 में 11 डिसमिल को फर्जी तरीके से अपने व अपनी पत्नी के नाम से बैनामा कराकर तयशुदा 45 लाख रुपए वादी के खाते में ट्रांसफर कर देने का आश्वासन देकर उक्त जमीन का बैनामा करवा लिया। अभियुक्त द्वारा वादी को विश्वास में लेकर फर्जी ढंग से जमीन का बैनामा कराया गया। इसके अलावा अनेकों फ्रॉड की घटना की गई है, जिसका मुकदमा थाना चौरी चौरा में पंजीकृत है, जिसको जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक राजवंश सिंह, कांस्टेबल सुरेश यादव, रविन्द्र यादव शामिल रहे। पूर्वोत्तर रेलवे क्रीड़ा संघ के तत्वावधान में 4 नवंबर से 10 नवंबर तक 66वां अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम में मुख्य अतिथि नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने सभी टीमों से हाथ मिलाकर तथा गुब्बारा छोड़कर टूर्नामेंट का शुभारंभ किया, जिसके संबंध में नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने बताया कि अखिल भारतीय रेलवे वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें रेलवे बोर्ड से लेकर और जोनल रेलवे से कुल 19 टीमें भाग लिया। यह प्रतियोगिता 1 सप्ताह चलेगी। काफ़ी टीमें होने की वजह से लगातार प्रतिदिन टूर्नामेंट होगा। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे की टीम टूर्नामेंट में जीतती है तो भारतीय रेलवे स्तर पर टीम को खेलने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि खेल में युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें, उच्च स्तर का खेल देख कर अपने आप में इंस्पायर होंगे। खेल का स्तर पूर्वांचल और रेलवे में बढ़ता रहे, इस अवसर पर सहायक क्रीड़ा अधिकारी चंद्र विजय सिंह, वॉलीबॉल सचिव डॉक्टर फहीम अहमद सहित अन्य रेलवे के अधिकारी एवं खिलाड़ी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने कहा,
रेलवे मेंस कांग्रेस के सदस्य माननीय सुभाष दुबे जी भी उपस्थित हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। अखिल भारतीय रेलवे टूर्नामेंट है, इसमें 19 टीमें रेलवे बोर्ड से लेकर प्रोडक्शन यूनिट्स और जोनल रेलवे को मिलाकर कुल 19 टीमें भाग ले रही हैं। ये प्रतियोगिता लगभग एक हफ्ता चलेगी, 10 तारीख को इस प्रतियोगिता का समापन है, क्योंकि काफ़ी टीमें हैं, हम लगातार डेली इसमें मैचेस होंगे राउंड रॉबिन लीग में। जो हमारी जो भारतीय रेल की टूर्नामेंट की टीम जो जीतती है, हमारा एक इंडियन रेलवेज का कॉल कप कहलाता है, जो कि जिसमें कि पॉइंट्स मिलते हैं, उससे ओवरऑल चैंपियनशिप डिसाइड होती है रेलवेज की। इसके अलावा खिलाड़ियों को भारतीय रेलवे के स्तर पे रिप्रेजेंट करने के लिए इसी के बेसिस पे मौका मिलता है। सर, खेल के माध्यम से बाकी गाँव में क्या संदेश है? हम ये कहना चाहेंगे कि लोग इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें। हमारे यहाँ कई सारे बच्चे इस एरिया के रोज आते हैं खेलने, इस उच्च स्तर के खेल को देख के अपने आप को इंस्पायर होंगे, इससे शिक्षा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि इससे खेल का स्तर हमारे इस पूर्वांचल के एरिया में और रेलवे में बढ़ता रहेगा। गोरखपुर न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। राज नर्सिंग एंड पैरा मेडिकल कॉलेज के बिना मान्यता के छात्रों का प्रवेश लेकर करोड़ों कमाने वाले गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त डॉक्टर अभिषेक का राज नर्सिंग होम सहित कुल 100 करोड़ की संपत्ति को कोतवाली पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर किया कुर्क, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री के सचिव संजय प्रसाद ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के साथ की बैठक, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। बीआईडी के दर्द से बावस्ता थे सीएम योगी, किया मुकम्मल इलाज। मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में अपने जुड़ाव का रजत जयंती समारोह भी मनाएंगे मुख्यमंत्री। 5.5 साल में चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में भरोसा का बड़ा केंद्र बना है बीआईडी मेडिकल कॉलेज।
अभियोजन वीरों के सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। एरजी जोन ने सभी अभियोजन वीरों को प्रशस्ति पत्र व स्मृति चिन्ह देकर किया सम्मानित। कहा, एक वर्ष में 100 अपराधियों को गोरखपुर पुलिस ने दिलवाया उम्र कैद की सजा। पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन जागरूकता सप्ताह के अंतर्गत भ्रष्टाचार मुक्त भारत और विकसित भारत सतर्कता विषयक सेमिनार का किया गया आयोजन। कहा, विकसित राष्ट्र बनाने के लिए करना होगा भारत को भ्रष्टाचार से मुक्त। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में नगर निगम के 80 वार्डों के अधिकारी और सुपरवाइजरों की बैठक हुई संपन्न। कहा, 7 नवंबर तक नगर निगम निर्वाचन नामावली की प्राप्त की जाएगी। दावे और आपत्तियां। फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा करने वाले भू माफिया अवधेश निषाद को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। और 4 नवंबर से 10 नवंबर तक 66वें अखिल भारतीय रेलवे पुरुष वॉलीबॉल चैंपियनशिप का नरसा के अध्यक्ष योगेश मोहन ने किया शुभारंभ। कहा, रेलवे बोर्ड सहित जोनल रेलवे की कुल 19 टीमें कर रही हैं चैंपियनशिप में प्रतिभाग। अब मुझे दें इजाजत, नमस्कार।